हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल समीम सर में। आज मैं लेकर आया हूँ इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो डेली यूज में बहुत काम आते हैं। आप इन सेंटेंस की एक बार अगर प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली बहुत ही आसानी से आप धीरे धीरे इंग्लिश सीख, क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स और सेंटेंस कलेक्शन है तो आप इजीली फ्लुएंटली इंग्लिश बोल सकते हैं। तो अगर इन सेंटेंस की आप एक बार शीशे में देख करके प्रैक्टिस करते हैं तो आपको बहुत ही फ्लुएंट इंग्लिश आ जाएगी। और ये देखते हैं हमारे सेंटेंस। पहला सेंटेंस है हमारा हाउ दैट, वो कैसे। जैसे हमें बोलना है, कोई हमें कोई बात बता रहा है तो हम उससे कहेंगे हाउ दैट, वो कैसे। हाउ दैट, वो कैसे। हु सेड, हु सेड, किसने कहा। हु सेड दिस, किसने ये कहा। हु सेड दैट, किसने बहका। तो दूसरा सेंटेंस हमारा हु सेड दिस, किसने यह कहा। हु सेड दैट, किसने बहका। मतलब ये बात किसने कही और वो बात किसने कही। हु सेड दिस, ये किसने कहा। Who said that? वो किसने कहा। अगला सेंटेंस है about whom, किसके बारे में। आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं। About whom are you talking, आप किसके बारे में बातें कर रहे हैं। About whom you are discussing, आप किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। About whom जो हम प्रयोग करेंगे वो इंसानों के लिए करेंगे। और about what, किस चीज़ के बारे में, मतलब कोई वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। About what, किस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो। और about whom, किसके बारे में आप बात कर रहे हो। तो ये दो सेंटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, बहुत ही अगला सेंटेंस है हमारा इन व्हाट वे, किस तरीके से, किस तरह से, किस तरह से हम किसी चीज़ को करेंगे। इन व्हाट वे, किस, जैसे मान लिया कोई हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, हमें पूछना किस तरह से करेंगे, तो इन व्हाट वे वी शैल सॉल्व दिस क्वेश्चन, या इन व्हाट वे वी शैल सॉल्व दिस, किस तरीके से, या हम किस तरीके से लड़ेंगे। इन व्हाट वे वी विल फाइट, इन व्हाट वे वी विल गो, किस तरीके से हम जाएंगे। तो ये इन व्हाट वे, किस तरीके का सेंटेंस हमारा टेक इट, इसे ले लो। अगर कोई चीज़ हमें किसी को देनी है तो टेक इट, टेक इट। मान लिया किसी को पेन देना है तो टेक इट, टेक इट, टेक इट, टेक इट का मतलब लेना। या किसी को हम कोई चीज़ सर्व कर रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, तो टेक इट, टेक इट, टेक इट हम बोल सकते हैं। टेक इट का मतलब इसे ले लो, टेक इट का मतलब इसे ले लो। अगला सेंटेंस तो बहुत ही फैमिलियर है, कम फास्ट, जल्दी आओ। कम फास्ट, कम फास्ट, कम फास्ट, जल्द, डोंट बी लेट, देर मत करो। अगला सेंटेंस हमारा डोंट बी लेट, देर मत करो। डोंट बी लेट, देर मत करो। तो अगला सेंटेंस हमारा डोंट बी लेट, देर मत करो, कम फास्ट, जल्दी आओ। अगला क्वेश्चन, अगला सेंटेंस तो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार है। कहते हैं ना कि कोई अगर कोई मुसीबत गले पड़ जाती, यार क्या मुसीबत है, क्या मुसीबत गले पड़ गई, क्या मुसीबत। व्हाट अ बदर, सेंटेंस हमारा व्हाट ए बोदर, क्या मुसीबत हो यार तुम। व्हाट ए बोदर आर यू, व्हाट ए बोदर आर यू, क्या मुसीबत हो यार तुम। अगला सेंटेंस है, अगर कोई ज़्यादा हमसे कोई जिद करता है तो हम कहते हैं नहीं का मतलब नहीं, नहीं जाना तो नहीं, नो मीन्स नो, नहीं का मतलब नहीं। तो मैं समझता हूँ आपको ये सेंटेंस बहुत पसंद आए होंगे। इसी तरह के सेंटेंस के लिए हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे कि हम इसी तरह के आपके लिए इंग्लिश स्पीकिंग के सेंटेंस लाते रहें। मैं था आपके साथ समीम अहमद सैफी, आप देख रहे थे आपका अपना चैनल समीम सर। जय हिंद, जय भारत।